हमने जो प्लान हमने यहाँ पर शो किया है, इस प्लान में आपको 3 बेडरूम मिलेगा। 3 बेडरूम तो इसमें 26 फीट और 40 फीट, 26 एंड 40। तो 26 एंड 40 में 3 बेडरूम में क्या क्या, उसके साथ पूजा रूम, किचन रूम, अटैच टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट एंड ओपन किचन। ओके, यहाँ पर ओपन किचन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में कैसे देखिए, यहाँ पर जो है बारांदा 4 फीट वाइड, उसके बाद देखिए यहाँ पर पूजा रूम, तो आप इधर से भी डोर रख सकते हैं, इधर से भी डोर रख सकते हैं, गॉड रूम है या टेम्पल है यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए बेडरूम 10 फीट बाई 13 फीट, काफ़ी अच्छा साइज है इसका। उसके बाद देखिए ड्राइंग रूम, जहाँ पर आपको देखिए स्टेयर का जो 3 फोल्ड स्टेयर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो है यहाँ पर ऑप्शन 01, इधर से एंट्री एंड एग्जिट। ओके, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर ऑप्शन 1, यहाँ पर ऑप्शन 2, ऑप्शन 02, यहाँ पर 46 फीट, सॉरी 40 फीट, और इधर 26 फीट। तो ये रहा ऑप्शन 2, दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कॉमन जो है ये, यहाँ पर आपको वेंटिलेशन रखना है, इधर एक छोटा सा वेंटिलेशन रखना है, ठीक है। तो आपके पास 26 और 40 का प्लॉट बना, जो बिल्डिंग बनाने का जगह है, प्लॉट इससे ज़्यादा है, तो इस टाइप का प्लॉट के ऊपर आप इस टाइप का घर बना सकते हो। तो देखिए ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन 2 में हम जाएंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे एंट्री एंड एग्जिट। ओके, तो देखिए पहले क्या है, बैल्कनी या बरामदा, उसके बाद पूजा रूम लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो आप अगर नॉर्थ, आपका अगर इधर नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका पोजीशन है और नॉर्थ में आपका फ्रंट है, तो आपको इधर पूजा रूम का ऑप्शन मिल जाएगा, पर ऑल्टरनेट भी हो सकता है, आपको चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर तो इस टाइप का आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ड्राइंग रूम इधर रहेगा। ड्राइंग रूम के बाद आप इधर आएंगे, 12 फीट 4 बाई 8 फीट 10 इंच। उसके बाद देखिए यहाँ पर बेडरूम 1, तो बेडरूम 1 में यहाँ पर एक डोर मिल जाएगा, इधर एक डोर मिल जाएगा, ऐसा आप डोर इधर प्रोवाइड कर सकते हैं। हम सिर्फ ऑप्शनल 2 में ऐसे रखा है। तो कॉमन टॉयलेट है यहाँ पर, यहाँ पर अटैच बाथ एंड टॉयलेट, यहाँ पर आपको डोर ऐसे रखना है, यहाँ पर ओपन डोर या आप आर्च टाइप का रख सकते हैं। यहाँ पर मेन गेट जो घर के अंदर जाने का, इधर भी मेन गेट इधर से घर के अंदर जाने का, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 बेड के साथ आप कंपेयर कर दीजिए, मैं 2 बेड पीछे है, पीछे है फ्रंट में एक बेड, उसके बाद पूजा रूम, बैल्कनी, ड्राइंग, टॉयलेट, किचन, टॉयलेट एंड किचन। और इधर देखिए 3 बेडरूम, एक ही साइड में एक मास्टर बेडरूम, अटैच टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट, डाइनिंग, ड्राइंग, ओपन, और यहाँ पर देखिए डाइनिंग, किचन ओपन, ये ड्राइंग है और ड्राइंग रूम अलग है। तो इसमें यही है। तो इसमें देखिए हमने जो जगह है, इसमें कॉलम का पोजीशन रखा है, आप भी यहाँ पर कॉलम ऐसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में आपको अगर सेकंड ऑप्शन पसंद आए, तो आप ऐसे कॉलम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम कॉलम का भी पोजीशन यहाँ पर सेट कर देंगे, तो आपको इस बिल्डिंग बनाने में अच्छा सा एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉलम मिल गया, उसके बाद आपको जो एक्चुअल जो मेजरमेंट है, 26 × 40 इज इक्वल टू 1040 स्क्वायर फीट। ओके, इसका टोटल कॉस्ट आएगा, बिल्डिंग का जो खर्चा का कॉस्ट यहाँ पर 18 लाख प्लस आपको खर्चा आ जाएगा एक ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो कर सकते हैं आप, ठीक है।